तो हे गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है मनीष सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजी। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, क्यों किया जाता है और किस इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज होता है, ठीक है? ये तीनों चीजें आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली चीज की ओर, जो कि है ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या। तो ग्राफिक डिजाइनिंग की बात की जाए तो ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसा जरिया है या ऐसा वे है जिससे आप अपने व्यूअर के साथ में विजुअली कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट? बाय इमेजेस, बाय टेक्स्ट, बाय कलर्स और बाय डिजाइन एलिमेंट्स। इन चारों की नॉलेज आपके पास में अच्छी होनी चाहिए, इमेजेस, टेक्स्ट, कलर्स एंड डिजाइन एलिमेंट्स। अगर आपके पास में इन चारों की नॉलेज अच्छे से है तो अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप अपने व्यूअर के साथ में जो है विजुअली कम्युनिकेट कर सकते हैं और उसी प्रोसेस का नाम है ग्राफिक डिजाइन। नाउ बात आती है कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों किया जाता है। नाउ ग्राफिक डिजाइनिंग को यूज करने का एक बहुत बड़ा मकसद होता है ब्रांडिंग, ठीक है? ब्रांडिंग मस्ट होता है। जैसे कि लेट्स से अगर हम एक इंडिविजुअल है, ठीक है, आज हमको अपनी खुद की ब्रांडिंग करनी है कि मैं कौन हूँ, हमको बताना है कि लेट्स से चलो आज एग्जाम्पल लेते हैं, हमने जो एक YouTube चैनल स्टार्ट किया, ठीक है, अब उसके ऊपर मैं खुद ही अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए भी जो ग्राफिक्स बन रहे हैं, जो थंबनेल्स बन रहे हैं, जो बैनर्स बन रहे हैं, वो सारे कहाँ पे आते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। तो ग्राफिक डिजाइनिंग को मेनली यूज किया जाता है ब्रांडिंग में। दूसरी नंबर चीज यूज होती है एडवर्टाइजिंग के अंदर, जिसके साथ में आप अपनी सेल्स बढ़ाते हैं और अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारा ब्रांड क्या करता है, क्यों करता है, सारी चीजें, ठीक है। अब आती है किस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है। नाउ ऐसी कोई बेसिक मतलब कि जो भी अपने की इंडस्ट्री है, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग यूज ना हो रही हो। चाहे आप एक बहुत छोटी सी शॉप स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप एक बहुत बड़ी कंपनी बना रहे हो, ठीक है, उसके अंदर भी अगर आप यूज करोगे तो दोनों में यूज होती है। नाउ एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल, अगर आपने एक शॉप स्टार्ट की, तो शॉप अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं। लेट्स से आज हमने एक शॉप स्टार्ट की जो कि शायद कपड़े बेचने की होगी, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी बैनर्स बनवाएंगे वो इसी का बनवाएंगे कि हमारे यहाँ पर कपड़े बेचे जाते हैं और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है अपनी ब्रांडिंग करते हैं, ठीक है, ये होती है आपकी छोटे स्केल पे। अब इसी को एक बड़े स्केल पर लेके चलते हैं, एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ में अगर आप काम कर रहे हो तो उसके अंदर हमारे पास में कहाँ यूज होती है, ब्रांडिंग। ब्रांड्स के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो सबसे पहले होती है ब्रांडिंग, आपका ब्रांड प्रमोशन होना चाहिए। नाउ सेकंड आती है एडवर्टाइजमेंट, ताकि उनकी सेल्स बढ़े, वो लोगों तक और ज्यादा पहुंच पाए। आई होप कि आपको ये तीनों चीजें जो अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है जिसके अंदर हमने एक पूरा ब्लॉग लिखा गया है ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर, तो आप उसको जाकर के रीड कर सकते हैं, जिसके अंदर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।